Very good morning to all of you. Now today I will tell you about the CBSE reduced syllabus for class 10th chemistry. Okay? So आपको पता था कि 30% syllabus को reduce करना था, ठीक है? अब नया syllabus आ गया है, जो कि 2020-21 के लिए होगा. Now see, in annual examination, यूनिट कितना है? 5 रहेगा. फर्स्ट में जो यूनिट है केमिकल स्ट्रक्चर नेचर एंड बिहेवियर, इसका मार्क्स कितना होगा? 26. सेकंड इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग व्हिच इज ऑफ 23 मार्क्स. ओके, थर्ड इज नेचुरल फेनोमेना ऑफ 12 मार्क्स. फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ करेंट 40 मार्क्स एंड फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स. टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स एंड 20 फ्रॉम इंटरनल असेसमेंट. ओके, सो ग्रांड टोटल इज 100. तो 80 में क्या क्या है वो आप देखिए. नाउ 20 इज इंटरनल असेसमेंट, आपको पता है 20 मार्क्स जाता है इंटरनल असेसमेंट होता है, एंड टोटल इज 100. दिस इज फॉर द सेशन 2020-21. दिस इज द रिड्यूस्ड सिलेबस. नाउ सी, फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन. पहला चैप्टर आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ओके, पहले क्या था सिलेबस में? केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड कंबाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन. ये क्या था आपका? पहले था, ठीक है. नाउ देयर इज नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी ओमिशन, कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं किया गया है. पहला चैप्टर आपका पूरा का पूरा वैसे ही रह गया है, छोड़ दिया गया है एट इट इज. ओके, सेकंड इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. पहले क्या था ओल्ड सिलेबस में? क्या था? देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आइंस, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, इसमें लॉगरिथम रिक्वायर्ड पहले भी नहीं था. Importance of pH in everyday life, preparation and uses of NaOH, ठीक है, sodium hydroxide, bleaching powder, sodium hydrogen carbonate, baking powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris and water of crystallization. ये क्या था? पहले था. अब क्या है? इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया, नथिंग इज डिटेक्टेड. इसमें भी कुछ डिलीट नहीं किया गया, कुछ भी ओमिट नहीं किया गया. ये जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा. नाउ थर्ड चैप्टर इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्या है क्लास 10 में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. पहले क्या था इसके सिलेबस में? पहले था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना था और केमिकल रिएक्शन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटीज मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखना था. फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये आपको पहले पढ़ना था. बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ठीक है, ये भी आपको पढ़ना था, पहले पढ़ना था. नाउ व्हाट हैपेंड, ये पोर्शन आपका, ये पोर्शन रह गया है और ये पोर्शन को ओमिट डिलीट कर दिया गया है. तो क्या रह गया है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज भी देखना है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स यहां तक आपको देखना है. बट दिस पोर्शन में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और क्लोजन एंड इट्स प्रिवेंशन इसको ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है. सो फॉर दिस सेशन 2020-21 ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम पेज 49-54. यदि एनसीईआरटी का पेज देखेंगे दिस इज 49-54 पेज नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन. Now next is carbon and its compound. This is the fourth chapter of chemistry in class 10 chemistry. Now old syllabus mein kya tha? Covalent bonding in carbon compound, versatile nature of carbon. Carbon ka versatile.
होता क्यों है वो एंड होमोलोगस सीरीज पढ़ना था. नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस अल्कोहल कीटोन्स एल्डिहाइड एल्केस एंड एल्काइन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड. ठीक है, इसका कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे के बारे में पढ़ना था. इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इतना पहले था आपको पढ़ना था. नाउ वी हैव टू रीड दिस ईयर ओनली दिस पोर्शन. इसमें लगभग 70% पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है. दिस इज नॉट फॉर दिस ईयर. क्या क्या आपको पढ़ना है? कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलोगस सीरीज बस दिस मच यू हैव टू रीड दिस ईयर 2020-21 में आपको इतना ही जानना है. लगभग 70% यू सी हियर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट बहुत है बट दिस इज डिलीटेड. कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस इज डिलीटेड. हैलोजेन अल्कोहल कीटोन्स एल्डिहाइड एल्केन्स एल्डिहाइड्स मींस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड difference between saturated and unsaturated hydrocarbons chemical properties of carbon compound combustion reaction oxidation reduction substitution reaction ethanol and ethanoic acid iska property aur uses ko sirf delete kiya gaya hai. theek hai, and soaps and detergent puri tarah se delete kar diya gaya. yadi aap ncrt kitab dekhenge to uska page number 67 se 76 तक आप देखेंगे. नोमेनक्लेचर है, बीच में देखिएगा नोमेनक्लेचर है पेज नंबर 67 में, वहां से डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है इस साल के लिए, वो आपको नहीं पढ़ना है. ओके, एंड लास्ट चैप्टर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. पहले इसमें क्या करना था? नीड फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों है? अर्लियर अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डॉबर आयलचार न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ओके मेंडेलेव्स पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉ ओके ग्रेडेशन कैसे इंक्रीज करता कैसे डिक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल. सो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बैलेंसी एटॉमिक नंबर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. सारा का सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना है. ठीक है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ओके ऑफ एलिमेंट डॉबर आयलचार न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मेंडेलेव्स पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो ग्रेडेशन है. ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा बैलेंसी एटॉमिक नंबर मेटालिक प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी सारा का सारा आपको इस बार पढ़ना है. तो टोटल आप थ्योरी में क्या देखे, पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर पूरा पढ़ना है और फिफ्थ चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है. जैसे था वैसे ही है. क्या चीज में चेंजिंग आया? एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसका कुछ पोर्शन पढ़ना है और बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हटा दिया गया है. कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन भी हटा दिया गया है फॉर दिस ईयर. और कार्बन एंड कंपाउंड में क्या है, जो मेजर क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर से लेकर के सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पूरा का पूरा क्वेश्चन को इस साल के लिए हटा दिया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ थ्योरी क्वेश्चन. नाउ सी द प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल भी है इसमें. टू फाइंड पीएच बाय यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर डाइल्यूट एचसीएल डाइल्यूट एनएमएल डाइल्यूट इथेनोइक एसिड लेमन जूस वाटर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोजन कार्बन. ये आपको प्रैक्टिकल करना था बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर बट दिस इज डिलीटेड. ये प्रैक्टिकल को डिलीट कर दिया गया है. दिस इज नॉट फॉर दिस सेशन. सेकंड क्या है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस HCl एंड NaOH बाय देयर रिएक्शन विद उसको रिएक्ट करा के HCl और NaOH को रिएक्ट करा के पहले उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे फिर जिंक मेटल से रिएक्ट कराएंगे फिर सोडियम कार्बोनेट से सॉलिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा के देखना है. सो इस पोर्शन को छोड़ दिया गया. दिस इज नॉट डिलीटेड. ये आपको पढ़ना है, ये आपको जानना है, ये प्रैक्टिकल को आपको करना है. नाउ थर्ड टू परफॉर्म एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस. रिएक्शंस देखना है और इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है क्लासिफाई देम इनटू. ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है. कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन इसमें हो रहा है वो आपको बताना है.
सो एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, क्विकलाइम में वाटर का एक्शन, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है उसको हीट करके आपको बताने कि इसमें क्या हो रहा है, कौन रिएक्शन हो रहा है। आयरन नेल्स के प्रिंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू होता है उसमें आयरन नेल्स को डालेंगे, ठीक है, और पता करेंगे कि क्या हो रहा है, वो कौन सा रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम फ्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है, बेरियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, और दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में डाल के देखेंगे कौन रिएक्शन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, एंड सो। और ये आपका है, इस साल भी आपको इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ जिंक, जिंक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट। आपको कुछ प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, और फिर बताना है कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में इसका क्या प्लेस होगा, ठीक है। जिंक सल्फेट एक्वस में फेरस सल्फेट एक्वस यूज करना है, कॉपर सल्फेट एक्वस यूज करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस यूज करके आपको अरेंज करना है कि इसका पोजिशन, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम का पोजीशन क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखना है। आपको पता है जो हाईली रिएक्टिव होता है जो अपने से लो रिएक्टिव मेटल उसको क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है, तो इसमें सब में रिएक्ट करके देखेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है, और उस हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज में इसका प्लेस देना है। सो दिस इज ऑल्सो देयर, ये भी डिलीट नहीं हुआ है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ डिलीट नहीं हुआ है, इसको करना है। नाउ लास्ट इज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड मींस इथेनोइक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH। आपको क्या देखना है, इसका प्रॉपर्टी जानना है, ओडर, सॉलिबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, चारों करना था बट दिस सेशन इट इज डिलीटेड, ये भी आपको इस साल नहीं करना है। सो दिस फर्स्ट वन एंड दिस लास्ट वन, ये दो जो हम लिखे हैं जिसको नंबर वन दिए हैं जिसको नंबर फाइव दिए हैं, ये दोनों केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है जो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया, ठीक है। तो आप थ्योरी में देख लीजिए, पहला दूसरा पांचवा चैप्टर पूरा जानना है, थर्ड चैप्टर में कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, और कार्बोनेट्स कंपाउंड में लगभग 70% पोर्शन डिलीट हो गया है। अब प्रैक्टिकल में भी आप जान गए, देखिए फर्स्ट पॉइंट जिसको दिए सीरियल नंबर वन को, और फिफ्थ सीरियल नंबर जिसको दिए वो दोनों नहीं करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ इज देयर इन योर सिलेबस। सो दिस इज ऑल अबाउट द CBSE रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री फॉर द सेशन 2020।